प्रेज द लॉर्ड, आप सबको यीशु मसीह मेरा नमस्कार। मैं आज जिस विषय के बारे में आपके पास, जिस सब्जेक्ट को लेके आई हूँ, वो है विश्वास। हमारा जो जीवन है वो विश्वास पर आधारित है। आज विश्वास ही के द्वारा मैं यहाँ पर खड़े होकर आपको परमेश्वर के उस शुभ संदेश को देना चाहती हूँ जो परमेश्वर ने बीते समय में मुझे दिया। बाइबल बताती है हमें विश्वास के संबंध में, जब हम विश्वास करते हैं तो विश्वास का कोई रंग रूप, कोई डिजाइन, कोई लुक नहीं होता। वो हमारे एक आंतरिक बीज के समान होता है, बाइबल बताती है। और धीरे धीरे वो बीज कैसे एक बड़े पेड़ में तब्दील होता है और बहुतों के लिए आशीष और बरकत का कारण बनता है। लेकिन विश्वास करते करते कई बार हमें बहुत सारी चीजों से भी गुजरना पड़ता है। कई बार हमें विश्वास की कुश्ती भी लड़नी पड़ती है। इसलिए वचन के अंदर लिखा है, अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। कैसे कैसे लड़े इस विश्वास की कुश्ती जो दिखाई नहीं देता? कैसे लड़ सकते हैं हम इस विश्वास से, और कैसे उन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं जो अभी हमें दिखाई तो नहीं दे रही, लेकिन हम परमेश्वर पर विश्वास करके उसकी बाट जो रहे हैं। हम विश्वास करें कि परमेश्वर निश्चित हमारे जीवन में ऐसा करेगा। बीते समय में मेरी छोटी सिस्टर, जो प्रभु में अभी बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया, बढ़ रही है, कुछ ऐसी परिस्थिति आई और वो मेरे पास आके कहने लगी, बहन अगर ऐसी परिस्थिति रही तो मैं विश्वास में कैसे बढ़ूंगी। तो मैंने उसको एक ही बात बोली, रोजी हमारा जो विश्वास है वो कभी भी पॉजिटिव या कंफर्ट जोन में नहीं बढ़ता है। जितनी विषम, जितनी कठिन जटिल समस्या होती है, तभी हमारे अंदर विश्वास परमेश्वर क्रिएट करता है। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, विश्वास के लिए कभी भी कोई कम्फर्ट जोन नहीं चाहिए होता। मेरी बहन ने मुझसे पूछा, मैं तो विश्वास में बढ़ रही हूँ लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आई तो मैं विश्वास में कैसे बढ़ूंगी। आज हो सकता है प्रभु में है बहुत सारी बातें आपके जीवन में आ जा रही हो, आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन हो कि मैं विश्वास में कैसे बढ़ूंगी या फिर मैं विश्वास के द्वारा इन चीजों को कैसे प्राप्त करूंगी। कई बार हम बहुत सारी भविष्यवाणियों को सुनते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते हैं, स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते हैं, दर्शनों को देखते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते हैं, स्वप्न के द्वारा माध्यम से परमेश्वर हमसे बातें करता है लेकिन हम विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर विश्वास योग्य रहता है। हम लोग फेथलेस हो जाते हैं लेकिन वो फेथफुल खुदा रहता है। बताना चाहती हूँ, परमेश्वर मात्र शब्दों का नहीं सामर्थ का खुदा है। कुछ समय पहले जब मैं ऐसे दिन में अपने घर में प्रार्थना करने बैठी थी, खुली दोपहर के समय एक आवाज़ मुझे आई कि जो मेरी बहन है वो नेक्स्ट मेरे साथ खड़ी होगी सेवकाई में, और मुझे लगा ये तो शायद मेरे दिमाग का थॉट है करके मैंने ऐसी साइड में रखकर उस चीज़ को प्रार्थना किया। मैं कंफ्यूजन में थी, मैं एक इल्यूजन में थी कि ऐसा होगा मेरी बहन। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर के वचन में लिखा है जो बातें धुंधली हैं वो क्लियर कर देगा। उसने कहा साफ साफ लिख लो हबक्कूक नबी की पुस्तक में, एक एक बात पूरी होगी और जो बातें परमेश्वर की ओर से होती है वो पूरी होती है। मैंने देखा मेरी बहन के साथ एक इंसिडेंट हुआ। एक दिन वो किचन में खाना बना रही थी, खाना बनाते बनाते वो गरम तेल जो वो उसमें कुछ पकाने के लिए जा रही थी उसकी आँख के अंदर गया और उसकी आँख बर्न हो गई। और उसके बाद सिर्फ आंख उसकी बर्न ही नहीं हुई, आज परमेश्वर ने उसकी आंख में रोशनी दी है, वो सही सलामत है। उसकी आत्मिक आंखें भी परमेश्वर ने खोल दी है, हालेलुया। आज आपको मैं बताना चाहती हूँ, मेरे साथ बराबर खड़ी होती है कलीसिया में, सब मुझे किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आज लोग मुझे बोलते हैं ये आप ही की सिस्टर है, बिल्कुल आप ही की तरह है। सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर जो बोलता है उसे पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। संदेह ना करें, बाइबल संदेह के विषय में भी हमें बताती है, जो कि हमें याकूब नबी की पुस्तक उसका 1:6 में मिलेगा। लिखा है विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहरों के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हम विश्वास करते तो संदेह ना करें। एक व्यक्ति था जिसके बेटे को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था, प्रभु के साथ हर जगह पाया जाता था, सभाओं में पाया जाता था, कन्वेंशन में पाया जाता था, गली चौराहे जहाँ यीशु मसीह थे उस सभाएं पाया जाता है। लेकिन एक विषय था जिसने उसके अंदर अविश्वास पैदा कर दिया था, वो था उसके बेटे के अंदर की बीमारी। वो मिर्गी की दुष्टात्मा जहाँ गई उसके बेटे को आग पानी देखती वहाँ उसे पटक देती थी। चेलों के पास लेके आया, चेले ना निकाल सके, जाके उसने परमेश्वर से कंप्लेन किया, यीशु मसीह को जाके नॉक किया और कंप्लेन किया, आपके चेले तो नहीं कर पाए, अगर आप कर सकते हैं तो करके देख लीजिए। कई बार हम भी अपने जीवन में ऐसे ही हो जाते हैं अजीजों, हर जगह हम पाए जाते हैं, हर चीज़ों को हम करते हुए पाए जाते हैं, लेकिन कई बार हो सकता है आज आपके पास ऐसा कोई विषय हो जैसा उस पिता के पास था। मुझे ये आयत बहुत अच्छी लगी, उस पिता ने पब्लिकली परमेश्वर से बोला मेरे अविश्वास का उपाय कर। आज हो सकता है कोई परिस्थिति आपके अंदर अविश्वास लेके आ रही हो, दो आप बहुत जगह परमेश्वर की संगतियों में बहुत सी चीज़ों में पाए जाते हैं, आप स्क्रिप्चर पढ़ते हैं, हो सकता है दर्शन वचन बहुत सारी बातें खुला आपको देता है लेकिन आज आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। परमेश्वर ने उस बोला विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, हो सकता है, क्या बात है।
विश्वास कर। और यीशु मसीह ने डांटा, दुष्टात्मा उसके बेटे को छोड़ के चली गई। तब वो पिता कहता है, और अबाप मेरे अविश्वास का उपाय कर। हम वीक हो सकते हैं विश्वास में अजीज, क्योंकि हम फेथलेस हो जाते हैं कई बार। सिचुएशन, सर्कमस्टांस, हमारी मुसीबत, हमारी तकलीफ, हमारी समस्या हमें इतनी बड़ी लगती है, लगता है कभी ऐसा होगा भी कि नहीं होगा, ख्वाब जैसा लगता है, सुनने में तो अच्छा लगता है, क्या कभी आंखें ऐसे देख पाएंगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हाँ आपकी आंखें जरूर ऐसा देखेगी, हाँ आपके कान जरूर ऐसा सुनेंगे, क्योंकि परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उनके लिए ऐसी बातें रखी हैं जो आंखों ने देखी नहीं और कानों ने सुनी नहीं और बुद्धि उस बात को समझ नहीं सकती है। एक वचन मैं आपको और बताना चाहूंगी, दूसरा राजा 7वां अध्याय, आप बहुत आराम से इसको पढ़ के जरूर मेडिटेट कीजिएगा। 1 से 20 पूरा मैंने इस वचन को पढ़ा। यहाँ पर एलीशा उस वक्त अकाल था, और यहाँ पर राजा के कुछ लोग प्रभु के दास भविष्यवक्ता के पास पहुंचे, और उसने उनसे एक वाचा बांधी कि आज ये जो महंगाई और ये जो अकाल है ये कल इसी समय तक खत्म हो जाएगा। लेकिन लिखा है जो राजा का तकिया करने वाला व्यक्ति था उसने इस बात पर भरोसा नहीं किया, उसने परमेश्वर को चैलेंज कर दिया। लिखा है, सुनो चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी ऐसी बात ना हो सकेगी। उसने कहा, सुन तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा परंतु उसमें से कुछ खाने ना पाएगा। और बाइबल बताती है उस वक्त वहां पे समस्या थी, इस देश में अकाल थी। हो सकता है आज आप ऐसी किसी समस्या से गुजर रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा हो। बीते समय में भी हमें करेंसी चेंज करते बहुत कुछ, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जो बोलता है पूरा करने की सहमत रखता है। जब वो हमसे बात करता है, हमारा बैंक बैलेंस, हमारी एबिलिटी, हमारी क्वालिटी, हमारे अच्छे काम नहीं देखता। वो जानता है वो खुदा और हम इंसान हैं। वो कहीं से भी, जहां बोता नहीं वहां से काटने की क्षमता रखता है। अब बताती, वो नमान वहां पे कुछ वो कोड़ी थे जो उस बस्ती में गए, उन्होंने देखा बहुत सारे धन संपत्ति को प्राप्त किया, जाकर राजा को इत्तला किया। राजा ने कुछ लोगों को भेज के जांच कर देखा, हाँ सच में यहाँ तो कोई नहीं है, बहुत धन संपत्ति है। और तब जो व्यक्ति तकिया क्या करता था उसकी ड्यूटी द्वार पर लग गई, और फिर ये भविष्यवाणी का शब्द वहां पूरा हुआ। भीड़ इतनी जबरदस्त मात्रा में आई कि वो व्यक्ति द्वार पर उनके पैरों के तले चला गया। ये वो भविष्यवाणी थी जो लिखा है एलिशा के द्वारा पूरी हुई। आज अगर आज प्रभु आपसे कुछ बोल रहा है, विश्वास कर लीजिए। हालात कैसे भी क्यों ना हो, सिचुएशन अकाल जैसी हो, सिचुएशन कैसे चेंज की हो सकती है, सिचुएशन हो सकता है डॉक्टर बोले नहीं होगा, सिचुएशन ऐसी हो बड़े बड़े तजुर्बेकार कह रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि मैंने अपने जीवन भर में ऐसा नहीं देखा। वो ऐसे ही तो काम करता जो हम जीवन भर देख नहीं सकते। उसके लिए कुछ भी करना हल्की सी बात है। परमेश्वर ने जब मुझसे कहा, मैं अपनी कली से बहुत जगह इस बात को बताया, मैं एक डाउट कर रही थी जब परमेश्वर ने मुझसे बोला कि मेरी बहन नेक्स्ट टेन टू मी, परमेश्वर ये कैसे संभव है। लेकिन परमेश्वर ने मात्र बोला नहीं मेरे भाई बहनों, वो परमेश्वर ने करके दिखाया। और मेरी वही बहन है, लोग कहते हैं सेम डीएनए है, सेम अनॉइंटिंग खुदा बाप ने इसको दिया है। वो वचन के द्वारा पढ़ती है, वो लोगों के लिए प्रार्थना करती है, काउंसलिंग करती है, परमेश्वर से रेवलेशन मांगती है। और मैं कहती हूँ खुदा बाप मेरे अविश्वास के लिए तो मुझे क्षमा कर, सच में तू बोलता है पूरा करने की क्षमता रखता है। डाउट ना करें, क्योंकि लिखा जो कुछ करें विश्वास से करें। जो कुछ हम बिना विश्वास के करते हैं वो परमेश्वर को खुश नहीं करता है। एक करेंसी है जो कभी चेंज नहीं होगी मेरे भाई बहनों, वो है विश्वास की करेंसी। दुनिया में हर चीज रोज चेंज होगी, देखेगा रोज अपग्रेड, रोज अपडेट होगा, रोज नई चीजें आएंगी, रोज नई पुरानी चीजें खत्म की जाएंगी, लेकिन एक ही चीज जो सदा काल बनी रहेगी वो है विश्वास। और यही विश्वास आपको परमेश्वर के राज्य में बढ़ाएगा, यही विश्वास आपको परमेश्वर के द्वार तक ले जाएगा। विश्वास की करेंसी कभी चेंज नहीं होगी, विश्वास कीजिए। विश्वास कभी भी सब कुछ अच्छा हो तब नहीं क्रिएट होता। जब सब कुछ विपरीत चल रहा हो, जब सब कुछ आपके अगेंस्ट चल रहा हो, जब कोई सपोर्ट में ना हो, तभी आपके अंदर का जो विश्वास है वो कार्य करता है। यीशु मसीह के चेलों ने उसे बोला, परमेश्वर हम इसे क्यों ना निकाल सके। परमेश्वर ने बोला, अपने विश्वास की घटी के कारण। कई बार बहुत सारी चीजें आज हमारी रुकी हैं, हम विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं प्रभु ऐसा करेगा, होगा कि नहीं होगा। हमारा भरोसा टेक्नोलॉजीज पे ज्यादा है, हमारा भरोसा वर्तमान की परिस्थितियों पे ज्यादा है, हमारा भरोसा संसार की वस्तुओं पे ज्यादा है। मैं बता रही हूँ सब वस्तुएं बदल जाएंगी, यूं पलक झपकते बदल जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन और उस पर चलने वाले लोग सदा काल तक बने रहेंगे। आज जिस परमेश्वर ने आपसे बातें की वो सच्चा है। उसने अब्राहम से कहा कि मैं तुझे तेरी निसंतान दूंगा, उसने उसकी निसंतान दी। आज भी वही वो परमेश्वर है, आपसे जो कहता है वो पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। उसने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। परमेश्वर ने जो आपको बोल दिया वो बोल दिया, इट इज ऑलरेडी डन, वो हो चुका है आपके लिए। एट द राइट टाइम आप उसको अपनी आंखों से होता हुआ देखेंगे। आपको बताना चाहती हूँ सिर्फ यही नहीं, परमेश्वर ने आज से कई समय पहले अपने दास जेकब को मेरे घर भेजा था, मेरे पिताजी के कुछ विषयों को लेकर। उन्होंने कहा, बेटा गोया कि इट्स अ पर्सनल मैटर, बट व्हाट इज अ न्यू थिंग फॉर अ लॉर्ड। परमेश्वर ने अपनी दासी के मुख से हमसे बातें की,
और खुदा बाप ने आज शायद 2 या 3 साल इस बात को हो गए, परमेश्वर ने उस बात को पूरा किया है, क्योंकि परमेश्वर जो बोलता है वो पूरा करने की क्षमता रखता है। विश्वास कीजिए, संदेह मत कीजिए, क्योंकि संदेह से हम प्रभु को खुश नहीं कर सकते हैं। हम ना तो परमेश्वर को कोई बलिदान चढ़ाकर या कुछ अच्छी वस्तु देकर खुश कर सकते हैं। लिखा है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। जब परमेश्वर का आत्मा अपने किसी दास दासी किसी प्रेरित के द्वारा आपसे बोले तो उसे रिसीव कीजिए। हाँ प्रभु, ये आपने बोला आप तो जरूर करेंगे, और प्रभु करेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैंने ऐसा विश्वास देखा नहीं। कुछ देखना चाहता है हमारे विश्वास में प्रभु, अद्भुत, ऐसा अद्भुत विश्वास मैंने देखा नहीं, मैंने इसराइलियों में भी नहीं देखा ऐसा विश्वास। आज परमेश्वर मेरे आपके विश्वास के द्वारा लोगों को दिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि वो जीवित परमेश्वर है, और आज भी दुआओं को सुन के वो सब कुछ कर सकता है जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आज आप क्या विश्वास करेंगे? आज विश्वास ढीला पड़ गया है, कमजोर हो गया है, जैसे उस पिता का था। बेटे के पास ऐसी लाइलाज बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था, बहुत परेशान हो जाता था, हो सकता कई बार बहुत सारी मीटिंगों में बहुत सारे कार्यों में वो ध्यान नहीं दे पाता था, और कहने लगा हो सकता है तो प्रभु देख लेना। प्रभु ने बोला हो सकता है वाली क्या बात है, विश्वास करने सब कुछ हो सकता है। और लिखा है उस पिता ने कहा मेरे अविश्वास का उपाय कर। कई बार हमें लगता है हम विश्वास करते हैं सब कुछ, हम विश्वास करते हैं, कई बार हमारा अविश्वास नहीं प्रकट होता, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ हम बहुत बार जीवन में अविश्वास करते हैं, बहुत बार थॉट प्रोसेस में हम अविश्वास करते हैं, बहुत बार जब खुदा खादिम हमें कुछ देती है तो हम उसे रिसीव नहीं करते। हाँ हाँ जरूर कर देते हैं, बट खुदा तो अंदर और बाहर जांचने वाला खुदा बाप है। मैं बताना चाहती हूँ आज से 3 साल पहले बोली गई बात का खुदा बाप पूरा कर सकता है, तो आज वो आपके लिए भी करेगा। वचन सच्चा है, जमीन और आसमान टल जाएंगे पर उसकी मुंह की बातें कभी नहीं टलेगी। लिखा है मैं अपने दासों को बड़ा यतन कर करके तुम्हारे पास भेजता हूँ। समटाइम बड़ी हेजिटेशन होती है कि परमेश्वर मैं इस व्यक्ति के इस विषय में जाके इस परिवार में जाके इस बात को कैसे बोलूं, दे डोंट अंडरस्टैंड, प्रभु मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, लेकिन बाइबल बताती है बड़ा यतन करके अपने दासों को भेजता हूँ। गो एंड टॉक टू देम, गो एंड स्पीक टू देम, जाओ और उनसे बातें कर। और जब बात करके आते हैं और देखते सच में परमेश्वर जो यतन करके मुझे भेजा वो खाली नहीं गया। आज विश्वास कीजिए परमेश्वर आपसे कुछ कह रहा है। कमजोर हो गए हैं विश्वास में, निर्बल हो गए हैं, यह लग रहा है विश्वास बिखरता जा रहा है, परमेश्वर के सम्मुख आ जाइए। बोल दीजिए प्रभु मेरे अंदर इन बातों को लेके अविश्वास आ गया है। बहुत बार मैंने अपने लिए भविष्यवाणी सुनी, बहुत बार मैंने तेरे इस कलाम का रेवलेशन मुझे पहुंचा है, बहुत बार तूने मुझसे दर्शन में बातें की है, बहुत बार भिन्न प्रकार से तूने मुझसे बातें की है, लेकिन मैं विश्वास नहीं कर पाया। प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे विश्वास को बढ़ा कि मैं सच में वो बातों को जो तूने मिले रखी विश्वास के द्वारा हासिल। यही वो करेंसी है अजीजो जो आपको वो चीजें दिलाएंगी। इब्रानी में लिखा है विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। दिस इज दिस सर्टिफिकेट कि खुदा ने जो आपके लिए रखा है वो आपको मिलेगा। इस व्यक्ति ने तकिया करने वाले ने वचन पर विश्वास नहीं किया, खुदा के खादिम की मुंह की बात का विश्वास नहीं किया, लेकिन क्या खुदा झूठा था? नहीं अजीजो, आप पढ़ सकते हैं घर में आराम से। लिखा है इतना सब कुछ, जैसे उस वक्त बड़ी महंगाई थी, सब कुछ बहुत कुछ भी खाने को नहीं था, लेकिन सब कुछ सस्ता बिकने लगा जैसा खुदा के खादिम के द्वारा बोला गया। आज भी वर्तमान की समस्याएं कैसी भी क्यों ना हो, जो खुदा खादिम या खादिमा आत्मा के द्वारा आपको बोल रहे वो हाँ और आमीन के साथ आपके जीवन में पूरा होगा। उसके वचन में होगा कि नहीं होगा, इफ एंड बट नहीं है, हाँ और आमीन है। आज आप विश्वास कीजिए, हर उन वाचाओं को याद कीजिए परमेश्वर ने आपसे दी है। वचन के माध्यम से दी होगी, भविष्यवाणी के माध्यम से दी होगी, दर्शन के माध्यम से दी होगी, बहुत बार बहुत से लोगों को प्रेरित कर करके आहें भर भर के लिए आपके लिए दुआएं गिराए गई होंगी। आज वो वक्त है कि उन वाचाओं को आप स्मरण करें। आप देखेंगे जैसे मैं आज आपको बता रही परमेश्वर कर रहा है वैसे वो आपके जीवन में भी करेगा। आप जान लोगे कि सच में खुदा के लिए कोई समय की कोई पाबंदी नहीं है, परमेश्वर के लिए मेरा बैंक बैलेंस की कोई पाबंदी नहीं है, परमेश्वर के लिए मेरी एबिलिटी कोई पाबंदी नहीं है, परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करने के लिए कहीं से कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो खुदा है। जहां बोता नहीं है वहां से काटना जानता है, सूखे में रास्ता निकालना खुदा जानता है, अपने लोगों के लिए नदी की धाराएं निकालना प्रभु जानता है। मेरे ऑफिस की बात मैं आपको छोटी सी बताना चाहती हूँ। कुछ समय पहले कुछ ऐसी बातें मेरे ऑफिस में चल रही थी जिनके लिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, लेकिन एक आयत खुदा खादिमा के द्वारा खुदा ने मुझे दी। दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना, मैंने रिसीव किया उस वचन को और बताना चाहती हूँ खुदा बाप ने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि खुदा है सच्चा। मैं खुदा बाप की क्या बोल रही हूँ आंटी जी, मेरी तो परिस्थिति समझ नहीं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा सब जानता है। परमेश्वर हमें टीच करता है, हमें सिखाता है, हमें सबसे पहले एग्जाम्पल बनाता है, हमारे द्वारा अपनी गवाहियाँ क्रिएट करता है, हमारे द्वारा अपना अंश लोगों को दिखाता है। और मैं बताना चाहती हूँ उसने मेरी सीमाओं में शांति दी है। आज मैं उन्हीं सीमाओं में शांतिपूर्वक परमेश्वर की महिमा को कर रही हूँ। आज हो सकता है आपकी किसी सीमा में शांति ना हो, आपकी सीमा विश्वास कर लीजिए, क्योंकि संदेह करने वाला कुछ प्राप्त नहीं करता अजीजों। वो इस समंदर में आई हुई लहरों के समान है जो आकर थोड़ी देर के लिए सब कुछ बिगाड़ कर चली जाती हैं,
आज विश्वास कीजिए, जो एक एक कलमा खुदा का यहाँ बोला जा रहा है वो हाँ और आमीन के साथ आपके जीवन में कार्य करेगा। लेकिन वचन प्रभाव दिखाता है, खाली नहीं जाता, सब चीजों का प्रभाव एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन वचन का प्रभाव सदैव काल तक बना रहेगा। उसने आपको चुना है, उसने लिखा मैं तुझे बोलना सिखाऊंगा, मैं तुझे करना सिखाऊंगा। हर चीज खुदा के हाथ में दे दीजिए, परमेश्वर करेगा। कैसे करेगा, खुदा का काम है, ये हमारा काम नहीं है। ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, हमें समझ बुद्धि छोड़कर परमेश्वर के वचन पर सब कुछ देते हैं। और लिखा है विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, विश्वास करने वालों में चिन्ह। हम बाइबल में पढ़ते हैं क्या क्या चिन्ह परमेश्वर ने दिए। आज भी परमेश्वर आपके द्वारा वो चिन्हों को लोगों को दिखाना चाहता है कि परमेश्वर ने आपको चुना है। आपके विश्वास के चिन्हों के द्वारा लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। जब आप लोगों के लिए दुआ करेंगे, जब आप परमेश्वर के कलाम को मानेंगे, जब उन बातों पे आप रिलाय करेंगे जो खुदा ने आपसे की है, आप परमेश्वर की एक बड़ी गवाही ठहरेंगे। क्योंकि लिखा है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना होना है। और हमारा मकसद यही होना चाहिए कि हमारे अंदर खुदा बाप ऐसा विश्वास दे आज कि खुदा बाप हमारा खुदा खुश हो जाए हमसे, हमारा पिता हमसे प्रसन्न हो जाए कि सच में मेरी बेटी ने मुझसे प्रेम किया, मेरी एक एक बातों को माना, मेरे बेटे ने मुझसे प्रेम किया और एक एक शब्दों पर कायम रहा। गोया कि दुख तो आए, तकलीफ तो आए, लेकिन अपने इसने विश्वास से इनकार नहीं किया। क्योंकि बात बताती है जितनों ने विश्वास किया उसने उन्हें अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है। ये वो अधिकार है जो किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया, ये वो अधिकार है जो किसी हमारे रिश्तेदार ने नहीं दिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जमीन और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहा है। उसने आपको अधिकार दिया है और जिनको वो अधिकार देता है वो अधिकारी कहलाते हैं। जिनको वो अधिकार देता है वो दुष्टात्मा को निकालते हैं। जिनको वो अधिकार देता है वो बीमारों के लिए दुआ करते हैं, बीमार चंगे हो जाते हैं। जिनको वो अधिकार देता है वो ऐसी ऐसी भविष्यवाणियों को परमेश्वर अपने दासों के द्वारा करता है कि वो बातें पूरी होती हैं। लोग उनसे आते हैं एडवाइस लेने के लिए, डिसीजन में क्या करें कैसे करें, उनसे सलाह लेने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने विश्वास करने वालों को यह अधिकार दिया है। आज आप कैसी परिस्थिति में क्यों ना हो, अगर विश्वास की कमी हो रही है, खुदा के पास आ जाएं और बोल दें प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। मैं आपको बताना चाहती हूँ वो उपाय करने वाला है, ऐसा उपाय करेगा कि आपके जीवन में अद्भुत काम होंगे। ये वही बेटा था, फिर उठ के खड़ा हो गया और उसने देखा ये तो मेरे परमेश्वर के लिए, जिन बातों के लिए मैं इतने सालों से अविश्वासी सा होता जा रहा था, मेरे अंदर नेगेटिविटी आती जा रही थी, यूं पलक झपकते ही परमेश्वर ने कर दिया। और परमेश्वर आपसे बहुत सारे कामों को यूं पलक झपकते ही आपके लिए कर देगा। इस बातों को बोलकर मैं आप खत्म करूंगी, उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप अपने विश्वास को खुदा के हाथों में दे दें। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, खुदा के शुक्रगुजार हैं परमेश्वर की आत्मा के लिए, जो बोलने वाला कोई भी हो लेकिन आत्मा एक ही है। शुक्रगुजार है सुंदर वचन के लिए जिसको आपने अभी सिस्टर अंजना के द्वारा सुना, जिसमें उन्होंने बताया कि संदेह करने वाला मनुष्य ना समझे कि मुझे परमेश्वर से मिलेगा। और विश्वास ही केवल एक चीज है जो स्थिर है, और विश्वास के लिए लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना खुदा के कलाम से। ये है वो कलाम। आसमान और जमीन टल जाए, आसमान और जमीन बदल जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि सारे दिल से खुदा पे तवक्कुल कर और अपनी समझ का सहारा ना ले। संदेह अपनी समझ का सहारा लेना है। और जब बिटिया प्रचार कर रही थी तो एक छोटी सी आयत परमेश्वर ने हमारे दिल पे रखी, जिसको हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। एक इंसिडेंट है जो हमारे संदेह को थोड़ा सा इलेबोरेट करेगा। मरकुस की इंजील उसका 11 बाब, यहाँ पर एक इंसिडेंट है। वो इंसिडेंट ये है कि परमेश्वर यीशु मसीह को भूख लगी और यीशु मसीह अंजीर के दरख्त के पास गया और उसमें कोई फल नहीं था। तो प्रभु यीशु ने उससे कहा कि अब तुझमें कभी फल ना लगे। और उसके बाद अगर हम नीचे की आयत में आ जाएं तो लिखा है नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब अपने शागिर्दों के साथ उस जगह से गुजरे तो उन्होंने देखा पेड़ ऊपर से लेके नीचे तक जड़ तक क्या हो गया, सूख गया। तब उसके शागिर्दों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा देख रब्बी जिस पेड़ को तूने लानत दी थी वो पेड़ सूख गया। मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह कभी लानत देने नहीं आया, वरन उसने तो हमारी सारी लानत को अपने ऊपर उठा लिया। सारी लानत तो प्रभु यीशु मसीह कैसे उसको लानत देता। जब यीशु मसीह ने ये सुना तो उसने अपने शागिर्दों को इसको समझाया, और मुझे भी पहले इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था जब तक कि पवित्र आत्मा ने मुझे ये बात ना समझाई।
और आज मैं आज पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा आपको भी बताना चाहती हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने जब ये सुना कि शागिर्द कह रहे हैं कि मैंने लानत दी, तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि खुदा पर ईमान रखो। मेरे अजीजों, अगर आज आपकी ज़िंदगी में बहुत से लोग पता क्या कहते हैं, अरे ये तो क्या बताएं, परमेश्वर ही चाहता है ऐसा। परमेश्वर कतई नहीं चाहता कि आप जिस नेगेटिव हालात में हैं आप उसमें पड़े रहें। अगर वो चाहता होता तो अपने बेटे को ना भेजता, लेकिन परमेश्वर आपको उसमें से निकालने के लिए दुनिया में आया, और इसलिए उसने कहा कि विश्वास करो, खुदा पर विश्वास करो कि जो कुछ तुम अपनी जबान से कहोगे यकीन कर लो कि वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर तुम इस पहाड़ से कहो कि उखड़ जा, तो पहाड़ उखड़कर समुद्र में गिर जाएगा। फिर उसने आयत में कहा, इसलिए मैं कहता हूं, पढ़े क्या लिखा, इसलिए मैं कहता हूं कि जो कुछ कि जो कुछ तुम प्रार्थना में करके मांगो मांगो तो प्रतिति कर, तो यकीन कर लीजिए अपने दिल में आगे कि तुम्हें मिल गया, कि तुम्हें मिल गया, तुम्हारे लिए हो जाए और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मिल गया मीन्स अभी हमने किया, अभी आपको मिल गया, लेकिन हो सकता अभी नहीं मिला, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह ने दुआ को नहीं सुना। लिखा है तुम्हें मिल जाएगा। इस समय को संदेह में ना बदले, वरन ये वो समय जब अपने विश्वास को थामे रहे, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़े कि खुदा बाप तू कर सकता है, खुदा बाप तू कर सकता है, तेरे लिए कोई काम नामुमकिन नहीं है। तेरे वचन में लिखा है कि तूने कोड़े खाए ताकि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। मेरे जो पिछले 7 साल मैंने परमेश्वर के वचन पे अटल रहकर रात और दिन अपनी मुसीबत में, अपने कराने में, अपने दर्द में, अपने आंसुओं में, जब बिल्कुल ना उम्मीद थी, मैं खुदा बाप तू मेरी उम्मीद है जो कभी फेल नहीं होती। खुदा मैं जानती हूँ बीमारी इसलिए नहीं आई कि मैं नाश, ये बीमारी इसलिए आई है कि तेरा जलाल जाहिर हो। खुदा बाप तू कर सकता है, खुदा बाप तू कर सकता है, और खुदा बाप तू कर सकता है, तो खुदा बाप ने करके दिखा दिया, भले 7 साल क्यों ना लग गए हो। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़िए और यकीन करिए एट द राइट टाइम, क्योंकि खुदा बाप हर चीज को एक समय पर खूबसूरत बनाता है। बहुत अच्छा गाना है ना, ही मेक्स ब्यूटीफुल एवरीथिंग एट द राइट टाइम। परमेश्वर आपके लिए सही समय पर सब कुछ भला करेगा। इसका मतलब ये नहीं अगर आज नहीं हो रहा तो आप संदेह करें, संदेह करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, वरन विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ें। कुश्ती लड़ने का मतलब यही है कि परमेश्वर के वचन के ऊपर तवक्कुल करें, वचन को दोहरा दे, खुदा बाप तू सामर्थ्य है, तू कर सकता है, प्रभु तूने कोड़े खाए तू कर सकता है, तू मेरा न्यायाधीश है, आज तक केस सॉल्व नहीं, लेकिन खुदा तू मेरे केस को सॉल्व करेगा, तो परमेश्वर आपके केस को सॉल्व करेगा। यकीन कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ें। आइए आंखों को बंद करें और हम आपके लिए दुआ करें कि खुदा बाप हमारे विश्वास को बढ़ाए, क्योंकि लिखा है विश्वास परमेश्वर अकॉर्डिंग टू आवर एबिलिटी देता है। परमेश्वर आज आपके विश्वास को बढ़ाएगा, परमेश्वर आज आपको यहां तक विश्वास देगा कि आप अपनी जिंदगी के पहाड़ों को हटता हुआ देखेंगे, ना तो बल से, ना शक्ति से, पर परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा आज आपकी जिंदगी का पहाड़ टल जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह नासरी, महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी बड़े शुक्रगुजार हूं खुदावंद कि तूने हमारी जिंदगी के सारे पहाड़ों को टाल दिया। खुदा यीशु मसीह तेरी सामर्थ के लिए खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं जो आज भी कार्य करती है खुदावंद यीशु मसीह, और तूने कहा है कि ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी सामर्थ के द्वारा ये कार्य हो जाएगा। प्रभु आज तेरे जिन्होंने वचन सुना लेकिन जीवन में जब कार्य नहीं हुआ खुदावंद तो उनका विश्वास संदेह में बदल गया। आज हम तुझसे दुआ करते हैं खुदावंद हमारे संदेह के लिए हमें माफ कर दीजिए। प्रभु संदेह करने वाली दुष्टात्माओं को मैं यीशु के नाम से हुक्म देती हूँ इसी समय छोड़कर जहन्नम की आग में जाके घर को जाए, और दुआ करते प्रभु यीशु से वचन अनुसार आज विश्वास को बढ़ाने की आत्मा हम में से प्रत्येक के अंदर उड़ेल दीजिए खुदावंद यीशु मसीह। आज हमारे विश्वास को बढ़ाइए खुदावंद यीशु मसीह, ताकि वो प्रार्थनाएं जो आज तक नहीं हुई यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी साल में पूरी होने वाली हो सके। खुदावंद यीशु मसीह आज प्रभु हमें विश्वास की आत्मा से भर दीजिए, हमारे विश्वास को बढ़ाइए खुदावंद यीशु मसीह,
और जितने लोग आज विश्वास कर रहे हैं, दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आज उनकी जिंदगी में कैसा भी पहाड़ क्यों ना हो, इसी समय टल जाए, उखड़ कर जहन्नम की आग में जाके गर्क हो जाए प्रभु, रूहें आज आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जादू टोना तंत्र मंत्र की दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह नासरी के नाम से हुक्म देते हैं, छोड़कर जहन्नम की आग में जाके गर्क हो जाए और परिवार आजाद हो जाए खुदा यीशु मसीह। इस नए साल में तेरी बड़ी महिमा को देखें और तेरी बड़ी गवाही हो कि तू जीवित है और तू आज भी कार्य करता है। धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी सुन रहे हैं, जैसे कि हम आज तक सुनते आए हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। विश्वास करें, संदेह ना करें, यह साल आपके लिए एक बड़ा आशीष का साल है, यह साल आपके मौजों का साल है, यह साल आपकी दुआओं के उत्तर का साल है, ताकि सारा आदर, सारी महिमा, इज्जत और जलाल प्रभु यीशु मसीह को मिले, और जरूर है कि वो बढ़े और हम घटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से।